हम हॉर्स राइडिंग करने लगे लेकिन ये तुम्हारे ऊपर ही लेके आ गए इनको। थोड़ा सा दूर कर दें भाई प्लीज, थोड़ा सा दूर कर दें। अब जरा मैं आपको अपनी फाइनल लुक दिखा दूँ, ये है और मेरी फ्रेंड की लुक। हमारे जो जीप वाले अंकल है ना, इन्होंने हमें बहुत एक अच्छी न्यूज़ दी है, तो अभी मैं आपको अपने जीप वाले अंकल से मिलवाती हूँ। उम्मीद आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। सो आज हमारा कलाम में सेकंड डे है और सुबह सुबह इस टाइम बज रहे हैं 7, हमने जाना है ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट के बाद आके रेडी वगैरह होंगे। खैर मैंने अपना फेस वगैरह वॉश कर लिया है, रेडी वगैरह हो चुकी हूँ मैं, रेडी एस सच बोला रेडी नहीं, मेकअप शेकअप बाद में करेंगे, अभी चलते हैं अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट आपको दिखाते हैं, लेकिन व्यू बहुत प्यारा है सामने, आपको पहले व्यू भी दिखाते हैं, पीछे ईमान है। लेकिन उससे पहले कि मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब किया, बेल आइकन नहीं दबाया, तो जल्दी से जाके लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। ये व्यू है, इतना प्यारा व्यू है, सुबह सुबह उठो तो इतना मतलब ज़बरदस्त किस्म का लगता है। तो खैर भी चलते हैं जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हमें आगे, हमारे पास लाइक 20 या 15 मिनट्स हो गए, हमें जल्दी से रेडी होना होगा, फिर हम जाएंगे अपने लोकेशन पे। अब हम ऊपर जा रहे हैं सारे नाश्ता वगैरह करने, लेट्स सी नाश्ता कैसा होता है यहाँ का। पता नहीं यार, मुझे लगता है मैं ब्लॉगिंग भूल गई हूँ, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं वैसी ब्लॉगिंग कर रही हूँ या नहीं। ये है हमारा ब्रेकफास्ट का जगह, नाश्ता हमारा आ चुका है। ब्रेड तो मेरी है, पराठा मैं नहीं खाती यार, बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली होता है, पहले इतना वेट गेन कर लिया। अब मैं ब्रेकफास्ट का रिव्यू देती हूँ। मैं लगी हूँ, मैं खा रही हूँ पराठा और ऑमलेट। ऐसे तो मैंने अपने लिए फ्राई वाला मंगवाया था, लेकिन नाश्ता बस ओके है। A few moments later. तो हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, अब जल्दी से रेडी होते हैं, मेकअप वगैरह आपको दिखाएंगे अपना और कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। आज हमने जाना कौन सी जगह पे है? ओके यार, सो वी आर रेडी और बस जल्दी से हमने मेकअप वगैरह किया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, गाड़ी नीचे वेट कर रही है। अपना उठाते हैं जैकेट, आई एम रेडी। मैंने अपना पूरा आउटफिट पहन लिया है, पिक्चर्स के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, पता नहीं मेकअप मेरा कैसा हुआ, बस जल्दी जल्दी मैं मेकअप किया क्योंकि हमारी गाड़ी वेट कर रही है। तो हम चलते हैं, लेट्स गो, उठते हैं और वहाँ जाके आपसे मिलेंगे। अभी हम ना शूज़ पहनने आए हैं। हाँ वैसे ठीक है यार, लेकिन मैं कह रही हूँ ना, हम शूज़ ना मेरे स्लीपर्स ही ठीक हैं, बस हमारी जीप बाहर आई हुई है यार, सांस चढ़ गई है मुझे कि सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं यार। बताओ ना, शूज़ ज़रूरी है? शूज़ नहीं पहन रही मैं, स्लीपर्स स्लीपर्स ही ठीक हैं। ये हमारी जीप है भाई, अब हम इसमें बैठ गए हैं। देखिए थ्री आवर्स का हमारा सफ़र है, स्टार्ट हो चुका है। आपको साथ साथ रोड्स वगैरह भी दिखाएंगे कैसी हैं, जीप में कैसा लगता है हमें, तो स्टे ट्यून्ड। हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके हैं, हमने कहा यार ये बहुत प्यारा सा व्यू है, तो यहाँ पे अपना कुछ वीडियोस वगैरह, कुछ कंटेंट वगैरह बनाने, पिक्चर्स वगैरह भी। पानी पानी यार, पानी ना फेंको, अभी पिक्चर्स तो ली नहीं है, पहले ही सत्यानाश हो जाएगा आउटफिट का यार। नहीं कहाँ जा रहे हैं हमें तो कुछ भी नहीं पता, बस यहाँ पे रुके थे थोड़ी देर, पानी वगैरह था, तो हमने कहा यार पानी में भी ज़रा कुछ वीडियोस वगैरह कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, फिर वापस जीप में बैठेंगे और जिस जगह पे हमने जाना है उस जगह पे जाएंगे। आपको भी सारा कुछ साथ साथ दिखा रही हूँ गाइस, मुझे कमेंट्स में आप लोग मुझे बताना है कैसा व्लॉग है, मैं कैसी लग रही हूँ, इतने टाइम बाद व्लॉग कर रही हूँ ना, तो कुछ ऑकवर्ड सा ही लग रहा है। लेकिन यार इतने ज़्यादा मैसेजेस थे कि रूबा व्लॉग्स करें, व्लॉग्स करें, इतना सबने मोटिवेट किया कि मैंने कहा यार व्लॉग तो बनाने ही है। ओके सो लेट्स गो, अब हम वापस जा रहे हैं अपनी जीप की तरफ और जीप में जाके बैठेंगे, उनको बोलेंगे कि हमें हमारी लोकेशन की तरफ लेके जाएं। हमारे जो जीप वाले अंकल है ना, इन्होंने हमें बहुत एक अच्छी न्यूज़ दी है, तो अभी मैं आपको अपने जीप वाले अंकल से मिलवाती हूँ और उनसे थोड़ी गपशप लगाते हैं। लाला अब आप बताएं हमें कि हम जो जहाज बाटा आपको कह रहे हैं वहाँ सिग्नल आते हैं या नहीं? वहाँ सिग्नल आएंगे, बहुत मजा आएगा। अच्छा और बताएं हमें, और कौन सी जगह हम हाइकिंग भी वगैरह कर सकते हैं, और भी बताएं कुछ कुछ अच्छा बताएं, मेरे ब्लॉग में बताएं ना, लोग देखेंगे ना, वो सुन रहे हैं सब कुछ लोग। तो
क्या बताऊँ, आप जास बंडे के बारे में? हाँ, जास बंडा आप जाओगे हाइकिंग पे तकरीबन डेढ़ घंटा आपको लगेगा। फिर आगे एक कटोरा लेक, उधर अगर आप हाइकिंग करते हो ठीक है, नहीं तो उधर घोड़े मिलते हैं। अच्छा। हाँ, घोड़े आपसे रेंट लेंगे और आपको वहाँ तक लेकर जाएंगे, आपसे मुनासिब पैसे देंगे। कल अगले दिन जो है ना टाइम पे पहुँचना है। इन्होंने हमें बहुत कुछ बता दिया, जहाज बांटा मैंने बोल दिया था, जहाज बांटा है, जहाज नहीं जहाज बांटा, जहाज बांटा वो भी आप मुझे कोई लोकेशन वगैरह के नाम नहीं पता, लेकिन हम आपको साथ साथ दिखाएंगे, सब कुछ बहुत अच्छा है। को तो इतनी सर्दी लगती है, रूबा जैकेट पहन के आई है, वैसे मौसम है, हाँ, सर्दी है ना, मतलब आप पहन सकते हैं, उसको सर्दी लग रही है, इसकी तबीयत भी थोड़ी खराब थी ना यार, मैं थोड़ी बीमार, और ये पूरी रात सोई भी नहीं है, हमारे पास नेट नहीं था यार। अब हम इस लोकेशन पे आए हैं, हम आपको दिखाते हैं आगे आगे। जगह का नाम नहीं पता, कौन सा लेक है पता नहीं यार, ये कौन सा लेक है, और ये मैं हूँ, बस कुछ पिक्चर्स लेंगे अभी, और पिक्चर्स के बाद हमारा कुछ प्लान इस तरह है कि हम बस निकलें वापस होटल की तरफ जाएंगे, हम इसे बैठेंगे, ये हम डूब तो नहीं जाएंगे, नहीं अगर मैं डूब गई तो वाला यार नहीं। मैंने आपको इनका फेस वगैरह दिखा दिया, अगर मैं डूब गई ना तो आपने इनसे रब्ता करना जरूर। अब हम लगे हैं बैठने, इस पे से चढ़ूं ये चढ़ लिया, अब हम बैठने लगे हैं, कहीं भी बैठ जाए, सेंटर वाले में बैठो, बस इधर बैठ जाए। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल यार, ये इतनी प्यारी लोकेशन है, लिटरली ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई फिल्मी सीन कुछ इस तरह से चल रहा है, या मतलब इतना प्यारा नज़ारा है यार, ये देखें आप। मैंने इनसे कहा है कि अपने घोड़े से कहें कि मुझे मारे ना, मैं पिक्चर ले, मुझे कुछ कहेगा तो नहीं ना घोड़ा, सच बताएं, बस सही है ये घोड़ा मुझे कुछ भी नहीं कहेगा, मैं जरा पिक्चर ले लूँ अपनी, फिर आपने इंस्टाग्राम पे जाके देखनी है। हम हॉर्स राइडिंग करने लगे, लेकिन ये तो हमारे ऊपर ही लेके आ गए, इनको थोड़ा सा दूर कर दें भाई, प्लीज थोड़ा सा दूर कर दें, इतना डरने की बात नहीं। अभी बार गेनिंग चल रही है गाइस, और ये देखें ये वाला बहुत थोड़ा सा, ये वाला अच्छा है, मासूम सा है ये वाला, वुमेन, लेकिन ये जो ब्राउन वाला है ना, ये वाला बहुत डेंजरस है गाइस, गाइस अभी हम हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, इस वाले पे आओ, मैं नहीं पे आ रही, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बस मुझे प्लीज गिराइएगा नहीं, मैं गिरूंगी, ये इसको देख के पीछे देख रहे हैं, ये पीछे देख, ओह अल्लाह, हम सब बैठ गए, हम वापस जा रहे हैं, और वापस हम इतना थक गए थे, लेकिन इन्होंने हमें इतनी फनी बात बताई है, तो हम फिर से बड़ा फ्रेश हो गए हैं। अच्छा, आप क्या कहते हैं? मैंने इनको कहा है कि हमें, मुझे ड्राइविंग के लिए दे, मैं चला सकती हूँ यहाँ पे, तो इन्होंने, आपने क्या कहा आगे से? मैंने आगे से कहा कि तो मैंने एक शादी किया है, अभी तीन करूंगा ना, तब फिर मैं सबको गाड़ी दे दूंगा इधर से। यार अल्लाह, मुझे लगता है अगर इनकी वाइफ ने ये ब्लॉग देख लिया ना, तो आपकी खैर नहीं होगी फिर। Hours later. We are back, और अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ, मैं तो गाड़ी में सो गई थी, बस अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती हूँ, बहुत सारा मुँह वगैरह धो के थोड़ा रेस्ट वगैरह करूँगी, खुल ही नहीं रहा दरवाज़ा, नहीं खुल रहा यार हमारा, बिल्कुल ही हालत हो गई है, कैसी लग रही हूँ। सीन्स कुछ इस तरह के हैं, अभी हम जब पहुंच चुके थे तो मैंने व्लॉग को नहीं कंटिन्यू किया क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थकी थी, मैंने जाते साथ चेंज वगैरह करके रेस्ट वगैरह की है। अभी सीन इस तरह का है कि हम लोग जा रहे हैं गाड़ी पे कहीं आगे के स्पॉट पे, हम कुछ खाना वगैरह हमने वैसे खा लिया था, तो हम कुछ स्नैक्स वगैरह लेंगे, वहाँ बैठ के हम इंटरनेट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें किसी ने कहा है कि उस स्पॉट पे थोड़े सा सिग्नल्स आते हैं, तो अभी चलते हैं गाड़ी की तरफ, ये गाड़ी खड़ी है, अब हम जाएंगे गाड़ी में बैठ के उधर, और उधर नेट वगैरह कुछ यूज़ करेंगे, कुछ अपलोडिंग्स वगैरह। लेकिन आपकी बहन यार इतनी फास्ट है कि व्लॉग्स वगैरह साथ से सारे एडिट कर रही है, बस जिस तरह नेट आएगा तो हम अपलोड कर देंगे। Hours later. हम अपने होटल वापस आ गए हैं, ये
ये है, इतना हमने नेट यूज किया है, लिटरली 2 घंटे हमने ना एक स्पॉट पे खड़े होके नेट यूज किया है, और थोड़ा सा जाता था तो हम गाड़ी थोड़ी सी आगे ले जाते थे कि यहाँ नेट चल रहा है, यहाँ नेट चल रहा है। तो खैर अभी हम होटल वापस आए हैं और हमारा कुछ प्लान है कुछ रोल पराठा वगैरह खाने को, तो लेट्स सी वो कहाँ से मिलता है। यार अब ना बहुत ज़्यादा इधर सर्दी सी हो गई है, ठंड लगी तो मैंने शॉल वगैरह लपेट ली, अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, हमने गाड़ी वगैरह पार्क कर दी है, जिसको तो बहुत ज़्यादा धूप में भी सर्दी लगी थी, जैकेट पहनी थी। सो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने बाजार में, ये देखें, तो लेट्स सी क्या खाते हैं, आपको साथ साथ सारी अपडेट्स दे रहे हैं। यहाँ आ गए हैं हम, ये द ब्रांड रेस्टोरेंट, कोई स्पॉन्सर नहीं है हमें यहाँ पे, कहाँ से जाना है, एंट्रेंस की जगह इसकी। गाइस हम भी देखें, ये मेन्यू है, हम कुछ यहाँ पे खाने आए हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, कुछ देखते हैं कुछ रोल पराठे शराठे मिल जाए हमें, और बहुत ही एस्थेटिक सा ये सब कुछ वाइब्स दे रहा है, जिसका मैं इस्लामाबाद में अक्सर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाती हूँ ना, तो बिल्कुल वैसी वाइब्स दे रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करी। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। ये रहा हमारा फूड, आज हमने करवाई है बिरयानी, क्योंकि बिरयानी खाने को बहुत दिल कर रहा था, कबाब कढ़ाई करवाई थी लेकिन आज हमने वाइट कढ़ाई करवा ली है। खा के बताती हूँ बिरयानी कैसी है, जो भी है कलामी खाने का टेस्ट है, बहुत मजे का टेस्ट है, बिरयानी बहुत टेस्टी है। ओके सो गाइस डिनर वगैरह हमारा हो गया, अब हम वापस जा रहे हैं होटल में, बस रेस्ट वगैरह करेंगे, क्योंकि अब हमने कल सुबह उठना है 5 बजे सुबह के, तो रेस्ट वगैरह बस करेंगे, यहाँ पर ब्लॉग एंड होता है। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हम इसी तरह सपोर्ट करते रहें, इंशाल्लाह आगे बहुत मज़े मज़े के ब्लॉग्स डालूंगी, अगर मुझे इसी तरह मोटिवेशन मिलती है, मुझे अगर मोटिवेशन मिलती है ना, तो फिर मैं बहुत अपलोडिंग्स करती हूँ, मुझे बस होता है कि यार अब मैंने ब्लॉग्स बनाने हैं। तो खैर तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, हमें नॉर्मल याद रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।